अफसर है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। बीच में भोले शंकर का धाम और चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ, आसमान से लगातार बर्फबारी। ये तस्वीर केदारनाथ की है जहां पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से पहले ही मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किया जा चुका है और अब पुनर्निर्माण के काम को भी रोक दिया गया है। केदारनाथ ही नहीं, बद्रीनाथ में भी बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। चारों ओर सफेद पहाड़ और बीच में बद्री विशाल में बर्फबारी की तस्वीर रोमांचित कर रही है। मंदिर परिसर में बनी सभी दुकानें और बैंक बर्फ से ढक चुके हैं। बद्रीनाथ मंदिर ही नहीं, उसके आसपास के इलाके जोशीमठ में भी भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम एक्सपर्ट्स की माने तो अभी जनवरी तक यहां ऐसा ही नजारा रहने वाला है। टेम्परेचर माइनस में जा चुका है, ठंडी हवाएं ऐसी कि हड्डियां कपा दें। स्की के लिए फेमस औली में भी आसमान से गिरती बर्फ ने तस्वीर बदल दी है। दूर दूर तक मानो सफेद चादर सी बिछ गई है। पेड़ों पर, सड़क पर, घरों पर, यहां तक कि छोटे से पूरे शहर पर ही बर्फ का कब्जा हो गया है। बर्फबारी में कुछ लोग मौसम का मजा लेते नजर आए तो कुछ लोग ठंड से बचने के लिए अलाव तापते। लगातार बर्फबारी की वजह से एक फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। मुनस्यारी के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश रुक रुक कर जारी है। कई इलाकों में तो सुबह से अब तक 18 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी की वजह से मुनस्यारी का पारा शून्य से नीचे जा चुका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से निचले इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक राज्य भर में भारी बर्फबारी का अंदेशा जताया है और प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा में कुछ इलाकों में बर्फ गिर सकती है। मौसम विभाग ने 13 दिसंबर को कई इलाकों में ओले गिरने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कोल्ड डे के दौरान लोगों को एहतियात बरतने के सुझाव दिए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे पहाड़ के बाशिंदों के लिए बड़े खतरनाक हो सकते हैं। अभी ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक जा पहुंचा है। ऐसे में 6-7 डिग्री तापमान एक झटके में गिर सकता है और लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ सकती हैं। केदारनाथ से संदीप नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।